नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाभ 24। मैं हूं जिला अभिरुचि वीरेंद्र कुमार। आज रजला के पास रेल लाइन पर एक लाश मिली है जिसका नाम मोहम्मद जसीम उर्फ इतबारी मियाँ है। उनकी हत्या ही हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तमाम जो RPF की भी टीम है जो JCD से आई है, साथ ही साथ GRP के सब इंस्पेक्टर, GRP के थाना अध्यक्ष, साथ ही साथ झाझा के थाना अध्यक्ष, तमाम जो प्रशासन के लोग हैं मिलकर इस हत्या की जो गुत्थी है सुलझाने में लगे हुए हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने बचने से परहेज करते हुए कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों के ये अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात। लेकिन रेल पटरी पर बताया ऐसा जा रहा कि उनके दोस्तों ने, वो एक छोटी सी गुमटी थी उनकी जिसमें ताला लगाने के लिए वो गए हुए थे और उनकी पत्नी खाना उना खिला के उनको भेजी थी। फिर परिवारजनों ने सोचा चलो लगता है हमारे जो शौहर हैं, हमारे जो पिता है, उसी गुमटी में ताला बंद करके सो गए। लेकिन जब सुबह ढूंढना शुरू किया तो कुछ देर के बाद किसी अन्य लोगों से जानकारी मिलती है कि एक सिर कटी लाश रेल पटरी पर पड़ी हुई। हालांकि लाश डाउन प्लेटफॉर्म पे मिला है, सिर कटा हुआ है, सिर अभी तक नहीं मिला है। डेड बॉडी दो टुकड़े में बटा हुआ है। ऐसे में निश्चित रूप से ये हत्या का मामला है और देखते हैं आगे कानून क्या काम करता है, कितने लोगों को गिरफ्त कर पाता है। बने रहिए हमारे साथ। सभी जगह है, तीनों पूरी सहयोग कर रहे हैं। मृतक जिनकी मौत हुई कौन है आपके? हमारा पति है। क्या नाम है आपका? शाहनाज खातून। अच्छा, आपके पति का क्या नाम? जसीम मियाँ। अच्छा ठीक है, उर्फ इतबारी मियाँ। हाँ। क्या हुआ था मैडम? बोले तो की हो ले बताओ, घरेलू भाषा में बात करो, कोई दिक्कत नहीं बोले तोरे को। इतने बाद जितना तरफ बोला करिए भाई, 8 बजे खाना खा गए और ताला लगवे के क्या तलवा लगवे में काजे सुगरा उठेल के उठेल के कैसे गेले हम तक कुछ पता हमरा ना। कहां ताला लगाने के बाद? दुकान में। दुकान में चाय की दुकान थी उनकी? हाँ, चाय के दुकान भी खोल लिए ना, खोलवे काउंटर सब बना ले, चेक भी कर सको, खोले वाला है। अच्छा ठीक, चेक कर सको तुम वहाँ जा करके। अच्छा, खाना उना खा के फिर दुकान पर चला आया? हाँ, चल गए। फिर आप लोग निश्चित हो गए थे, सूत गए थे दुकान में? हाँ, हम सूत। सुबह आप लोगों को सूचना मिली कि डेथ बॉडी पटरी पे है? हाँ। घर से कितनी दूर है? घर से कितना दूर है दुकान? दुकान बस ये घर बा 1 किलोमीटर बस, इतना दूर। क्या क्या बता, कौन है आप? एक मिनट कितना दूरी है घर? बस दो घर के बाद 100 मीटर की दूरी पर है क्या? अच्छा, आप बताओ क्या नाम आपका? मोहम्मद आरिफ आलम। पिताजी आपके थे? हाँ, मेरा पिता दी सा। अच्छा, कानून से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या मांग करेंगे, जो हम हमारा 4 लड़की सर, आप जो तो फैसला कर। एक पहले क्लिनिक बोल लेती। हाँ, क्या सरकार पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है ना आपको? सहयोग बस सर तो तोरे ऊपर है। अच्छा, तो करके इंक्वायरी कर ले, उतने सहयोगी और कोई हमारे तरफ से कोई सहयोगी नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि खुदकुशी किया या हत्या? ना, हमरा ककरो पर शक ना, हमरा खाली ऊपर पर शक है। हमरा तुम्हारा पर हमरा है विश्वास कि तो इंक्वायरी करके तो निकाल ले। चलिए, कितने बच्चे थे उनके? कितने बच्चे हैं? बच्चा हमरा 6 लड़की है सर, 2 लड़की के शादी दे ले और 4 लड़की कुमारी है, 3 लड़का है, 2 लड़का की शादी दे ले, 1 लड़का छोटा बच्चा है। ठीक, टोटल 9 बच्चे। घर कहाँ है आपका? टहवा बलियाडी। टहवा बलियाडी। ठीक, पर जो लाश मिली थी उसी की जांच में तमाम टीमें यहां मौजूद है। झाझा थाने में GRP भी हैं, RPF के SI भी आर्या साहब यहां पहुंचे हुए हैं JCD थाना से। दर्शकों देखिए, लगातार जो कोऑपरेशन मिल रहा है, GRP झाझा थाना के थाना अध्यक्ष भी यहां मौजूद हैं, साथ ही साथ SI हैं और तमाम जो पुलिस बल के जवान हैं यहाँ तहकीकात में जुटे हुए। हत्या हुई है, इसकी जाँच होगी, कैसे कैसे क्या होगा। थाना अध्यक्ष झाझा भी यहाँ मौजूद थे।